मैं सीधे चलता हूँ नवनीत कुमार जी मुरादाबाद से मेरे दर्शक रुके हैं। नवनीत जी सुनिए, नवनीत जी सुनिए सुनिए, नवनीत जी सुनिए सुनिए सुनिए, विवेक भाई सुनिए। नवनीत कुमार जी, लेफ्ट की पार्टीज का बड़ा ऑब्जेक्शन है कि चुनाव क्यों हो गए, उनने भी चुनाव जीता केरल में, उसी वक्त दूसरी लहर आई थी। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये इतना आलोचना कर रहे हैं सरकार की, तो इनको तो केरल में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता चाहिए था, और ये कहना था कोरोना चल रहा है तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल जी, ये विपक्ष की जो पार्टी थी लेफ्ट को, उनको भी इस चीज से अब ऑब्जेक्शन होना चाहिए था कि चुनाव अभी कोरोना के चलते नहीं किए जाए, उन्हें पोस्टपोन किया जाए, और सबसे पहले देश को जो कोरोना है उससे लड़ने के लिए जो भी ऑक्सीजन जो दवाइयां हैं उनके लिए अपना अरेंज करना चाहिए था। और चुनाव भी एक रीजन रहा है इस टाइम पे कि जो हमारा देश सफर कर रहा है इस चीज पे, देश में डेली 4 लाख केसेज आ रहे हैं कोरोना के, और उसके अगेंस्ट लगभग 3-4 हजार की डेथ हो रही है, तो उसके लिए चुनाव आपको हमें पोस्टपोन करना चाहिए था, वो चीज हमें अपने ध्यान में रख के आगे करना चाहिए था। और इस टाइम पे एक और ठीक है बिल्कुल सही कहा नवनीत जी आपने, मैं आपकी बात से ही आगे की बात बढ़ाऊंगा।